Hey there, welcome or welcome back. Motherhood is really overwhelming. बहुत सारी खुशियों के साथ कुछ कुछ परेशानियाँ भी आती हैं और उनमें से एक परेशानी जो मैंने फेस की थी वो थी मेरे वजाइनल स्टिचेस हील नहीं हो रहे थे, मेरे को हेमरॉइड हो गया था. सो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था मैंने सिस्ट बाथ कैसे लिया था. सो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. सिस्ट बाथ सिर्फ आप हेमरॉइड या वजाइनल स्टिचेस को सूट करने के लिए, पेन को सूट करने के लिए नहीं लेते हैं. आप इवन पाइल्स हो जाता है किसी को या फिशर हो जाता है तो भी आप ये ले सकते हैं. सबसे पहली बात कि बच्चा डिलीवर करने के 2 से 3 दिन तक आपको अपने आप को पानी में नहीं जाना चाहिए, आपको पानी में नहाना या सोक नहीं करना चाहिए. तो इसलिए आप 2 से 3 दिन के बाद ही सिस्ट बाथ लें. सिस्ट बाथ के लिए आपको एक टब लेना है, टब में 2 से 3 इंच तक पानी भरना है. पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं, इट शुड नॉट बी हॉट, वो वार्म होना चाहिए. एक बार चेक कर लीजिए पानी कैसा है, फिर आप उस पानी में बैठ जाइए. आपको अपना वजाइनल एरिया कवर करना है. उस पानी में आप अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो उसमें कोई मेडिसिन या फिर नमक भी डाल सकते हैं. और कोई मेडिसिन भी ऐड करनी है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. पानी अगर एक बार ठंडा हो जाता है तो उसको दोबारा से चेंज करिए, ड्रेन कर दीजिए इस पानी को और दोबारा से रीफिल कीजिए. मेक श्योर पानी गर्म होना चाहिए, ज़्यादा खौलता हुआ गर्म नहीं, हल्का सा गुनगुना गर्म होना चाहिए. और आप ये सिस्ट बाथ अराउंड 3 टाइम्स कर सकते हैं एक दिन में, 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट, उससे ज़्यादा ना करें. जब एक बार हो जाए तो उसके बाद आपको आराम से उठना है, क्योंकि यू माइट फील लिटिल फेंट पोस्टमार्टम अगर आप इसे कर रहे हैं. और उसके बाद आपको हल्का सा एयर ड्राई करना है, जेंटली पैट करना है, आपको रब नहीं करना है. जब टॉवल यूज़ करें तो हल्के हल्के पैट करना है एरिया को ड्राई करने के लिए. सेम चीज़ आप अपने बाथटब में भी कर सकते हैं. अगर आपके पास बाथटब है तो आपको टब में पानी भरना है सो दैट आपका वजाइनल एरिया कवर हो जाए. पानी ल्यूकवार्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए. और उसके बाद आप आराम से बाथटब में भी 5 to 10 मिनट्स बैठ सकते हैं. इवन सिट्स बाथ की एक टब भी आता है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको ईजिली अमेजोन में अवेलेबल हो जाएगा. मैंने परचेज़ नहीं किया था बट आप ट्राई कर सकते हैं. ये वेस्टर्न जो कम्बोर्ड होती है आप उसमें इस टब को प्लेस कर सकते हैं और आप इस तरीके से, जैसे मैंने इमेज में लिखा है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ये टब बेसिकली वो लोग लेते हैं जिनको फिशर या पाइल्स हो गया है, बिकॉज वो रिकवरी में थोड़ा सा लंबा टाइम लेता है. अदरवाइज़ अगर आपको स्टिच जो आपके वजाइनल स्टिचेस हैं उसको सूट करने के लिए या फिर हेमरॉइड के लिए करना है तो कुछ टाइम के लिए होता है, तो आप नॉर्मल टब में भी कर सकते हैं. कुछ बातों का ध्यान रखें कि आप जिस टब में कर रहे हैं वो टब क्लीन होना चाहिए. आप ज़्यादा गर्म पानी में इसको ना करें, नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर में ही प्रैक्टिस करें. और इस बात का भी ध्यान रखें कि बेबी डिलीवर करने के एकदम बाद आप सिस्ट बाथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अराउंड 3 डेज तक आपको पानी में नहाना नहीं चाहिए, सोक नहीं करना चाहिए. इस बात का ध्यान रखें. अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ सिस्ट बाथ के क्या बेनिफिट्स होते हैं. और आपके कोई भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द डे. आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम विद सम अदर स्टोरी. टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.